सचिवालय घेराव के दौरान भाजपा कार्यकर्ता और नेताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में आज प्रदेश भाजपा की ओर से काला दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। और उस काले दिवस के बाद देख सकते हैं कि देर शाम हरमू इलाके में महानगर युवा की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की शव यात्रा निकालकर विरोध दर्ज कराया जा रहा है। और आरती पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तस्वीर लगाई गई है, एक पुतला बनाया गया और तमाम जो प्रदेश के जो इसमें नेता है वह शामिल हुए। यह यात्रा जो है रांची महानगर की ओर से निकाली गई है और कहीं ना कहीं जो विरोध है वो दर्ज करने का अनोखा तरीका तमाम भाजपा के नेताओं ने निकाला है। और काली पट्टी साथ में शव यात्रा, तो जिस तरह से कल लाठीचार्ज हुआ था उसी दौरान से लगातार जो भाजपा के नेता थे वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और हेमंत सोरेन के सरकारों के खिलाफ लगातार जो थे वो आरोप लगा रहे थे कि एक षड्यंत्र के तहत तमाम लोगों के शांति प्रोटेस्ट पर लाठीचार्ज किया गया है। और उसके बाद से अब आंदोलन को आगे बढ़ाने की दिशा में तमाम जो लोग हैं भाजपा के वो बढ़ रहे हैं और अब आंदोलन की बड़ी रूपरेखा तैयार की गई। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में झारखंड के प्रखंड स्तर और बूथ स्तर तक भाजपा एक आंदोलन की शुरुआत करेगी कि जिस तरह से पूरे झारखंड के विभिन्न जिलों से विभिन्न प्रखंडों से लोग कल रांची में जुटे थे और प्रभात तारा मैदान में एकत्रित होने के बाद वह तमाम जो प्रदेश के नेता हैं उन्होंने संबोधित किया था। और उसके बाद फिर सचिवालय घेराव करने को लेकर तमाम नेता निकले थे, लेकिन धारा 144 का हवाला देते हुए प्रशासन ने उन्हें बैरिकेडिंग कर धुरवा गुलचक्कर के पास रोकने की कोशिश की थी, लेकिन यह आंदोलन उग्र हुआ। पत्थरबाजी हुई, बोतलें चले और उसके बाद आंसू गैस के गोले, वाटर कैनर और लाठी चार्ज की गई थी। और उसी का विरोध आज जो महानगर भाजपा है वो रांची में कर रहा है। हम कुछ भाजपा के नेताओं से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि क्या कब तक यह आंदोलन चलेगा और आगे की क्या कुछ रणनीति है। कल सचिवालय घेराव के क्रम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बेरहमी के साथ लाठी चार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। उसी के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर के द्वारा एक काला दिवस मनाया जा रहा है, पुतला दहन का कार्यक्रम है। 41 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है सर। एफआईआर राजनीति में एफआईआर होता रहता है, एफआईआर से किसी को थोड़ा आंदोलन जारी रहेगा आप लोगों का। हाँ बिल्कुल, तो देख सकते हैं कि तमाम जो भाजपा के नेता हो या कार्यकर्ता वह साफ तौर पर उनका कहना है कि आंदोलन में किसी तरह से कोई रुकावट नहीं आएगी, आंदोलन अपने रेगुलर चलता रहेगा। हेमंत सरकार की जो नीति है उसके खिलाफ हम आवाज बुलंद करते रहेंगे। आज शव यात्रा निकाली गई है और मौन धारण कर और जो काला दिवस मनाया जा रहा है आगे चलकर और भी अलग तरीके से विरोध दर्ज करने के लेकर रूपरेखा तैयार की जाएगी। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही, अपने सहयोगी संतोष कुमार के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट रांची।